नमस्कार, मीरा मेहता किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कुट्टू के पकोड़े। और ये कुट्टू के दाने या इसको कुट्टू की गिरी हम कुछ भी इसको कह सकते हैं, दोनों ही कहते हैं। कुट्टू के दाने हैं और ये ड्राई कुट्टू के दाने हैं और इसके हम पकोड़े बनाएंगे आज। और फ्रेंड्स, इनको मैंने कुट्टू को ये पानी में सोक कर लिया था 4 घंटे के लिए। और ये मैंने ये हाफ कटोरी लिया था, उसका ये इतना डबल हो गया है। और ये बहुत अच्छे से ये भीग गए हैं, देखिए एकदम से ये ऐसे हो गए हैं। और इसको फ्रेंड्स हम पीसेंगे। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा ये कुट्टू का आटा भी लिया है, ये भी हम 2 स्पून यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि कई बार होता है जब हम पीसते समय अगर आटा गीला हो जाए हमारा जो बैटर है, तो हम इसमें कुट्टू के आटे को ऐड कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए बनाने के लिए और भी हम ये देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स, इसमें अदरक, ग्रेडेड अदरक है, हरा धनिया लिया है मैंने, 2 हरी मिर्च बारीक काटी हैं, साबुत सौंफ ली है, सेंधा नमक, क्योंकि ये व्रत में हम खाएंगे तो सेंधा नमक यूज़ करेंगे, और ये साबुत धनिया है, काली मिर्च पाउडर। और फ्रेंड्स, ये मैंने मूली है उसको ग्रेट कर लिया है, और ग्रेट करने के बाद इसका मैंने पानी भी निकाल लिया है, क्योंकि अगर पानी इसमें रहेगा तो फिर जो हमारा बैटर है वो पतला हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखें इसका पानी आप निकाल दें। तो ये सब सामान है। और फ्रेंड्स, ये कुट्टू के जो हम पकौड़े बनाएंगे उसमें हम मेन जो है आलू इसको हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब सामान है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इस कुट्टू को, क्योंकि इस पानी में सोख हो गया है, तो इसको हम मिक्सी में अच्छे से इसको पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है कि जब आप पीसे तो इसको ड्राई पीसे, पानी ना डालें, बहुत पतला ना करें इसको। फ्रेंड्स, देखिए ये कुट्टू हमारा पिस के तैयार हो गया, बिल्कुल कितना अच्छा पतला इसका बैटर तैयार हो गया। अब इसको हम इसमें निकाल लेंगे। ये फ्रेंड्स, हमारा ये अभी बैटर बहुत अच्छे से हो गया और ये तैयार है। और फ्रेंड्स, जब हम मैंने जैसे अब ये सीड्स का बना रही हूँ, गिरी का ये मैंने बैटर तैयार किया है, तो इसको हमें बनाने के बाद रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि ये पहले ही सोक हुआ है। अगर आप आटे के पकोड़े बना कुट्टू के आटे के पकोड़े बनाएंगे तो उस बैटर को आपको कम से कम 2 से 3 घंटे उसको घोल के जरूर रखना है, क्योंकि कई बार होता है हमने घोला और इमीजिएटली बनाना शुरू कर देते हैं तो वो हार्ड भी हो जाते हैं और जब हम खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होते, और कई बार लोगों को उससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही रीज़न है, अगर आप आटे का कुट्टू के आटे के पकौड़े बनाने जा रहे हैं तो उसको जो बैटर को कम से कम आप 3 से 4 घंटे के लिए जरूर उसको रेस्ट के लिए रखें। तो ये हमारा पहले से ही ऑलरेडी 4 घंटे ये मैंने इसको कुट्टू को भिगो के रखा हुआ था, तो इसको ज़रूरत नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स, अब हम जो जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे वो मैं इसमें डालने जा रही हूँ। और इसके जो कुट्टू के जो ये गिरी के पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, क्योंकि ये पहले से ही भीगे हुए हैं तो बहुत अच्छे से बनेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जो ये जो आलू मैंने लिए हैं ये बॉयल्ड आलू हैं, और इसको मैंने नॉर्मल टेम्परेचर में कर लिया उबालने के बाद, क्योंकि एकदम गर्म गर्म बनाएंगे तो पकौड़े हमारे सही नहीं बनते हैं, तो ये बॉयल्ड आलू हैं हमारे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा एक कलरफुल मिक्सचर तैयार हो गया। तो आइए अब हम शुरू करते हैं पकौड़े बनाना। ये फ्रेंड्स, आलू मैं इसी में ही सारे इकट्ठे डाल देंगे और एक एक करके हम बनाएंगे। और अभी ये तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, अब डालने के समय हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और फिर हम इसको स्लो फ्लेम में ही बनाएंगे, नहीं तो क्या है हाई फ्लेम में बनाएंगे तो ऊपर ऊपर से तो ये ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से फिर आटा कच्चा रहेगा, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, आलू का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे आपको चाहिए। इस तरीके से हम सारे डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना हल्का हल्का इसमें अब रंग आना ये शुरू हो गया है, और ये स्लो फ्लेम में ही किया है। और इसके बाद जैसे अब ये सेट हो गए हैं, अब ये खुलेंगे भी नहीं और एक भी हमारा ये जो है इसका बैटर है वो फैला नहीं है। तो
तो फ्रेंड्स बीच बीच में हम जो है हाई फ्लेम भी करेंगे और स्लो फ्लेम भी करेंगे ताकि ये अब अच्छे से हो जाए और थोड़ा सा करारापन आ जाए। तो बीच बीच में हाई और बीच बीच में स्लो फ्लेम करेंगे। फ्रेंड्स अब ये हमारे कुट्टू के पकोड़े बन गए हैं, तैयार हो गए हैं और इसकी हम निकाल गैस बंद कर दूंगी और इसको हम निकालते हैं। फ्रेंड्स अब हमारे कुट्टू के गर्मा गर्म पकौड़े बनकर तैयार हैं और ये जो फ्रेंड्स हमने कुट्टू की गिरी के पकोड़े बनाए हैं और जो हम कुट्टू के आटे के बनाते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और आप जरूर इसको ट्राई करें। कुट्टू की गिरी के पकोड़े बनाए आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जैसे फ्रेंड्स मैंने ये पकौड़े बनाए हैं इसी तरीके से आलू को मैश करके हम इसकी टिक्की भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैं सर्व कर रही हूँ हरी चटनी के साथ। ये मैंने धनिया और पुदीना की चटनी बनाई है और ये दूसरा ये है बिल्कुल डिफरेंट नया ये जो सॉस है साबुदाने का मैंने सॉस बनाया है। फ्रेंड्स इसमें साबुदाना, टमाटर, नींबू, काली मिर्च और सेंधा नमक डाल के मैंने इसको बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है, बिल्कुल डिफरेंट है और इसमें ना कॉर्नफ्लोर मिला है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जैसा व्रत में होना चाहिए वैसी ही मैंने सॉस बनाई है और जब आप पकौड़े बनाएं तो साबुदाने की सॉस भी ज़रूर बनाएं। और फ्रेंड्स ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी और टेस्टी बने हैं ये पकौड़े, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।